मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिये मानस मोरे। तुलसीदास जी इतनी सुंदर सुंदर और प्यारी प्यारी बातें हम सभी को विनय पत्रिका के माध्यम से बता रहे हैं कि यदि हम उन्हें भीतर तक ले जाएं, अंतरतम तक ले जाएं, तो फिर समझ लीजिए कि दूरी नहीं है कोई, क्योंकि तुलसीदास जी तो इसी यात्रा से, इसी मार्ग से होकर गए हैं ना, मुसाफिर हैं इस दुनिया के। उन्हें पता है कौन से रास्ते कहाँ कहाँ से होकर जाते हैं, तो उन्हीं रास्तों से वो हमें रूबरू करवा रहे हैं, अवगत करवा रहे हैं। तो इसी जानने की यात्रा में अब हम आगे चलते हैं। मैं निज कर्म डोरी दीनी दृढ़ कीनी, कह रहे हैं कि मैंने खुद ही, मैं निज कर्म डोरी दृढ़ कीनी, अपने आप ही मैंने अपने कर्मों की रस्सी को कस लिया है, कस लिया है अपने आप ही, और किसी ने नहीं की, स्वयं मैंने ही अपने कर्मों की रस्सी को कसा है। अपने करण गांठ गई दीनी, और अपने ही अज्ञान के कारण उसे बहुत गहरी गांठ लगा दी है। एक तो रस्सी को जकड़ लिया और फिर ऊपर से गोल गांठ लगा दी, अज्ञान की गांठ। ताते परबस परियो अभागे, इसी कारण से हे अभागे जीव, तू परवश हुआ पड़ा है, खुद से ही खुद को ही बांध लिया, और ऐसा बांध लिया, इतनी मजबूती से बांध लिया कि वो पकड़ खुलने का नाम नहीं ले रही है, और तू बेबस और परबस, लाचार, पराधीन, गुलाम हो गया है अपने ही कर्मों के कारण, अपने ही बंधनों के कारण, किसी दूसरे ने नहीं बांधा तुझे आकर। ये बहुत मज़े की बात है कि कोई जीवात्मा को दूसरा नहीं बांधता आकर, जीवात्मा स्वयं ही अपने कर्मों के कारण स्वयं को बांधती है, और मजबूती से बांधती है, अज्ञान की रस्सी से इतना कसती है खुद को, और उस पर गोल गांठ मार देती है अविद्या के, और फिर उन्हीं कर्म बंधनों में पड़ी रहती है। ताफल गर्भ बास दुख आगे, और इसके कारण क्या होता है, कर्म की रस्सी से जब तू खुद को बांध लेता है तो तेरे आगे जो सबसे बड़ा दुख आता है वो है गर्भ में वास करने का। आज जो तुलसीदास जी बात कह रहे हैं वह बहुत गहरे रहस्य जगत की है, बहुत गहरे रहस्य जगत। कहते हैं कि सबसे बड़ा जीव का जो कष्ट है ना, सबसे बड़ा कष्ट, बड़े से बड़ा कष्ट वह है कि जब वह गर्भ में आता है। जो बाहर लोग होते हैं वो बड़े खुश हो रहे होते हैं कि भाई उसकी पत्नी गर्भवती हो गई, सारा परिवार, रिश्तेदार, संबंधी सभी बड़े प्रसन्न हो रहे होते हैं, आनंदित, खूब खुशियां मनाई जा रही होती हैं कि घर में अब संतान का जन्म होगा, कि घर में स्त्री ने गर्भ धारण कर लिया है, प्रेग्नेंट हो गई है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि सारे लोग परिवार के तो प्रसन्न होते हैं, लेकिन जो जीव गर्भ में आया उसकी हालत पता है किसी को, क्या हालत है, कि सबसे बड़े से बड़ा दुख है गर्भ के अंदर आ जाना, और वो उस दुख को सहता है। आगे अनेक समूह संसृत उदरगत जान्यो सो, कहते हैं, और उसके आगे संसार के जितने दुख होते हैं वो उस गर्भ में ही उसको मिल रहे होते हैं, बहुत दुखी होता है वो। उदरगत जान्यो सो, वो जो गर्भ के अंदर है वही उस दुख को जानता है, जो लोग बाहर हैं वो नहीं जान सकते। कितनी दुख, कितनी तकलीफें, संसार के कितने कष्ट जो उसके आगे पड़े होते हैं उन्हें सिर्फ वही जानता है जो गर्भ के अंदर है। वैज्ञानिक क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, मशीनों से ज़्यादा दिखा देंगे, और दिखा के जो बाहर उनके अभिभावक होते हैं प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उस जीव पर जो अंदर गर्भ धारण करके आया, उस पर क्या बीत रही है
ये सिर्फ वही जानता है कि वह कितने दुख सह रहा है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब जीवात्मा गर्भ में आती है देह धारण करके, तो वो वहाँ बहुत कष्ट पाती है, बहुत कष्ट, अंधेरा घोर, और उस घोर अंधकार में उसे अपने पूर्व जन्म सारे याद आ रहे होते हैं, सारी भूलें, पाप, अवगुण, दोष, सब कुछ उसके सामने आ जाता है कि ये तेरा सारा हिसाब किताब है। तब उस समय गर्भ में वह जीव ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मैं एक बार बाहर आ जाऊं, और तूने जो ये साधन दिया है ना मनुष्य शरीर, तू देख लेना मैं बाहर आते ही ये जितने मेरे बंधन अभी तक के कर्म के हैं ना सभी को काट डालूंगा, बस एक बार बाहर आ जाऊं। और फिर वो बाहर भी आता है, और बाहर आते ही धीरे धीरे सब भूल जाता है, जो वो गर्भ में सोच रहा था कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि दुनिया याद रहने ही नहीं देती। दुनिया का चारों तरफ का तिलिस्म प्रपंच माया जाल ऐसा भयंकर है कि उस शोर गुल में सब भूल जाता है, वह सब भूल जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता कि क्या गर्भ में उसने सोचा था, क्या वादे किए थे उसने, सब भूल जाता है। सिर हेठ ऊपर चरण, तुलसीदास जी कह रहे हैं सिर नीचे पड़ा होता है, उल्टा लटका होता है, पैर ऊपर हैं, सिर नीचे है गर्भ के अंदर। संकट बात नहीं पूछे कोई, और उस पर क्या संकट बीत रहा है, क्या मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है, कोई उससे नहीं पूछता, पूछ भी नहीं सकता, अकेले ही झेलता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि वह जीव कह रहा होता है कि मेरो दर्द न जाने कोई, कोई मेरी दुख तकलीफ कोई समय समझ नहीं सकता कि मैं गर्भ में पड़ा पड़ा कितना क्लेश, कितना दुख, कितना कष्ट सह रहा हूँ। सोनित पुरीष जो मूत्रमल कृमि कर दमावृत सो गई, और वो क्या करता है वहाँ पर, खून के कीचड़ के मल मूत्र के कीचड़ में पड़ा है, कीड़े हैं चारों तरफ, और ऐसे दुर्गंधपूर्ण वातावरण के अंदर वो जीव पल रहा होता है। अंदर कोई अंदर का माहौल अच्छा थोड़ी ना होता है, खून है, कीचड़ है, मलमूत्र है, सब वहीं पड़ा है, और उसी के अंदर, उस गर्भ के नरक के अंदर वो पल रहा होता है वहाँ पर। तो उसकी जो हालत होती है वह तो वही देहधारी जीव ही जानता है, जो कि उन्हीं कर्म बंधनों के कारण देह धारण करके गर्भ में आया है। कोमल शरीर, उसका शरीर बहुत कोमल होता है, गंभीर वेदन, और वेदना बड़ी गंभीर होती है, कष्ट बड़े गंभीर हैं वहाँ पर। शीश धुन धुन रोवी हैं, और वहाँ पर वो सिर धुन धुन कर रोता रहता है गर्भ के अंदर। अभी बताई ना मैंने भविष्य पुराण की बात, वही बात यहाँ पर कह रहे हैं तुलसीदास जी कि गर्भ में जो जीव पल रहा है वह सिर धुन धुन कर रोता है कि मैं कहाँ आकर फंस गया। हर चीज उसे याद आती है, हर चीज पुरानी, और बाहर आने के बाद सब भूल जाता है वो, क्योंकि गर्भ की वेदना के समय जो वो वादे कर रहा होता है परमात्मा से कि मैं जब बाहर आऊँगा तो इन कर्म बंधनों को काट दूंगा, लेकिन माया उसे ये अवसर देती ही कहाँ है, कहाँ देती है। उस गर्भ की चोट को वो फिर भूल जाता है, उस दर्द को, उस दुख को। आप स्वयं देखिए जीवन में, सभी के जीवन में कोई ना कोई दुर्घटना घटी होगी, चोट लगती है, तो जब हमें चोट लगती है, हम घर में आराम कर रहे होते हैं, दर्द से तड़प रहे होते हैं, तो उस समय हम क्या सोचते हैं कि ये जो दर्द है तो कभी जाएगा भी या नहीं जाएगा, ये इतनी दुख तकलीफ है कभी जाएगी या नहीं जाएगी। इस उसमें ही रहते हैं कि एक बार ये दुख तकलीफ दूर हो जाए तो हम दोबारा से फिर एक नए इंसान बनेंगे। दुख तकलीफ दूर भी हो जाती है और उसके बाद सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता। तो ये जो भूल जाने की फितरत है इंसान की,
ये माया का सबसे बड़ा शिकंजा है, सबसे बड़ा शिकंजा, सबसे बड़ा भ्रम, कि उसमें उसे ऐसे घुमा देती है, वो ऐसे घुमा देती है। आप स्वयं सोचिए कि किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए यदि आपको धन खर्च करना हो, अच्छे काम के लिए कोई कह दे, तो दिल कैसे सिकुड़ जाता है, कैसे सिकुड़ जाता है। उस अच्छे काम के लिए कहने वाले पर भी आप शक करने लगते हैं, शक की गिरफ्त में आ जाते हैं कि ये जो दूसरा आदमी अच्छी बात में पैसा लगाने के लिए हमें कह रहा है, ये कुछ गड़बड़ है। माया रोक देती है वहाँ से, क्योंकि कर्म के बंधन कटेंगे वहाँ से, माया नहीं चाहती कटे। और कोई आपके पैसे को बुरे कामों में लगवाना चाहे, आप फौरन लगा देते हैं, फौरन, सोचते ही नहीं। या अनावश्यक कार्यों में, अगर बुरे कार्य ना भी कहूँ मैं तो, व्यर्थ के काम, और व्यर्थ के कामों में कितना पैसा आप खर्च देते हैं, बहुत हैं गिनवाने के यहाँ, लेकिन गिनवाने का कोई लाभ नहीं। आप स्वयं जानते हैं कि व्यर्थ के कितने कामों में कितना पैसा, लेकिन सार्थक के कामों में नहीं, क्योंकि सार्थक कार्यों में लगाया गया धन आपके कर्म बंधनों को कहीं ना कहीं काटेगा, और माया नहीं चाहती ये हो जाए। तो माया को क्षण नहीं लगता आपको बरगलाने में, बौराने में, विचलित करने में या भरमाने में, भ्रमित हो जाते हैं और फिर अपने कर्म के बंधनों को और बढ़ाने लगते हैं। तो आज यह जान लीजिए बात, तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दी है कि गर्भ में रहते हुए आपने जो वचन परमात्मा को दिए थे, आज फिर से तुलसीदास जी याद दिला रहे हैं कि कोशिश कीजिए अगर वो वचन याद आ जाएं तो। आप कहेंगे हम जब 1 साल के थे हमें तब की घटना याद नहीं, और आप कह रहे हैं कि गर्भ की समय की घटना हम याद करें, तो इसीलिए उसकी एक झलक तुलसीदास जी ने यहाँ दिखाती है कि मैं बता रहा हूँ आप क्या सोचते थे गर्भकाल में, क्योंकि आप ही नहीं सभी जीवधारी यही सोचते हैं गर्भकाल में, जब गर्भ में पड़े होते हैं सभी, क्योंकि जो भी गर्भ में आया है वो भी मुक्त तो हुआ नहीं, किंतु मनुष्य शरीर देकर उसकी मुक्ति का एक मार्ग खोल दिया गया, एक अवसर उसे दे दिया गया, एक अपॉर्चुनिटी, एक द्वार उसके लिए खुला है कि लो एक मौका और दिया तुम्हें। तो अब अभी भी मौका है, मत चूक चौहान, मत चूके चौहान, इस अवसर का उठा लीजिए लाभ।